हम कह रहे हैं कि किसान किसानी करते करते खेतों में मर जाता है, उसकी उगाई हुई हर चीज सस्ती है, उसका जान तक सस्ता है, और उसका बेटा बंदूक लेकर के इस देश की रक्षा करते करते सीमा पे अपनी शहादत दे देता है। आप उसकी शहादत पे राजनीति मत कीजिए, तो हमको देशद्रोही और सेना विरोधी कह रहे हैं। आप सोच करके बताइए कि यह जो लड़ाई आज इस देश में छिड़ी है, क्या यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है? क्या यह लड़ाई किसी एक पार्टी की लड़ाई है? क्या यह लड़ाई किसी एक विचारधारा को मानने की लड़ाई है? यह लड़ाई अपने हक और अधिकार को बचाने की, अपनी आजादी को बचाने की, रखने की लड़ाई है। एक बात सोच करके हमको बताइए कि इस देश में जो आजादी हमको प्राप्त हुई, अंग्रेजों से हमने जो आजादी ली थी, क्या वो आजादी आज खतरे में नहीं है? कौन क्या खाएगा ये कौन तय करेगा? देश की सरकार तय करेगी। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे इबादत करेंगे, कैसे मंदिर जाएंगे, कैसे मस्जिद जाएंगे, इस नाम पे राजनीति होगी। राजनीति तो इस बात की होनी चाहिए कि हमारे पंचायत में स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अस्पताल बनेगा कि नहीं बनेगा, सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी। आप बताइए, 30 लाख, लगभग 30 लाख बेगूसराय जिला का जनसंख्या है, 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं बेगूसराय में, और बिहार में सबसे ज्यादा राजस्व देने वालों में जिला है बेगूसराय, फिर भी हमारे जिले में एक भी विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना है? क्यों हम आज बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए हमको पटना या दिल्ली एम्स जाना पड़ता है? क्यों हमको अपने लाल को, अपने कलेजे को, टुकड़े को अपने से दूर करके पढ़ने के लिए कोटा, दिल्ली, पटना, बम्बई, बंगलोर, ग्वालियर भेजना पड़ता है पेट काट करके? हर 25 तारीख को आपका बच्चा फोन करेगा कि बाबू पैसा भेज दे, थोड़ा बैंक आज बंद रहा है, नहीं भेजा सकलियो, भेजबो काल भेजबो, है देखी गहूम के दाम बिक्री नहीं होले हैं, महाजन नहीं ले, ठीक से दाम नहीं दे रहे हैं, एक महीना बाद बेचबो। ऐसे करके पेट काट करके आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या सपना देख करके पढ़ा रहे हैं कि हम पकौड़ा बेचते हैं तो हमारा बेटा भी इंजीनियर बन करके पकौड़ा बेचे? क्या सपना देखे हैं कि हम खेत में जो है मेहनत कर रहे हैं तो हमारा बेटा टाई लगा करके इंजीनियर बने? क्या सपना देखते हैं कि हम अपनी बेटी को भी डॉक्टर नहीं बनाए? यही सपना देखते हैं। क्या है हकीकत? हकीकत यह है कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान है, सबसे ज्यादा। और जो वादा किया कि 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, जब हमने उनको वोट देकर के देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तब वो आकर के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। इसलिए हमने वोट दिया था, हमने वोट दिया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमने वोट दिया था कि महंगाई कम होगी, हमने वोट दिया था कि हमारी सड़कें बनेगी, हमने वोट दिया था कि हमारे लिए अस्पताल खुलेंगे, हमने वोट दिया था हमारे लिए स्कूल बनेंगे, हमने वोट दिया था कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। हमने इसलिए वोट दिया था कि समाज को और ज्यादा जात पात में बांटा जाएगा, और ज्यादा हिंदू मुसलमान में बांटा जाएगा। इस बात को गंभीरता से विचार कीजिए और आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि एक बार फिर से अंग्रेजों ने जो काम अधूरा छोड़ कर गया, यहां पर अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले ये लोग उस काम को पूरा करना चाहते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, इस बात को आप समझिए। इसलिए आज के दौर में आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी और इन लोगों के खिलाफ कौन लोग ईमानदारी से लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको अपना समर्थन देना पड़ेगा। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम जानते हैं कि आपके पास बहुत अनुभव है, नेता आएगा भाषण देकर के चला जाएगा, उससे आपका मन नहीं बदलेगा। कत्यावर्त नेतवा आवे छे हेलीकॉप्टर्स, जाने छो कथी कि लोग हेलीकॉप्टरों देखा के बहाने देखे,
हेलीकॉप्टर पर उतरने से जो है लोग वोट नहीं दे देता है। बस हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि हम बेगूसराय जिले में जब आए हैं तो अपना कोई कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं। आपका आशीर्वाद हमारे पास है और हम मेहनत कस का बच्चा है। बाप मजदूरी करते थे, माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। हमको मजदूरी करने से कोई परहेज नहीं है। दो हाथ है, एक पेट को भर लेंगे मेहनत करके। कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका नमक खाए हैं, उस नमक की अदायगी करने के लिए आए हैं। आज जिस तरीके से बेगूसराय जिले के लोगों के स्वाभिमान के ऊपर हमला किया गया है, हमरा कोई देशद्रोही कहे छे तू बेगूसराय जिला का अपमान नहीं करे छे, इस बात को सोच के देखिए कि जो धरती राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को पैदा किया, जन क्रांतिकारी रामचंद्र पासवान को पैदा किया, जो धरती महान विभूति रामचरित्र बाबू को पैदा किया, जो धरती एक से एक लाल को पैदा किया। अभी एक बच्चा से हम लोग बात कर रहे थे, गौतम से, बाल श्री का पुरस्कार लेकर के आया है। यह जो हमारी बेगूसराय जिले की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा पर इस सरकार ने हमला किया है। यह लड़ाई एक कन्हैया कुमार को बचाने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई इस लाल झंडे को बचाने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बेगूसराय के स्वाभिमान की लड़ाई है। इस बात को समझना चाहिए, इस सरकार को हमको बताना पड़ेगा कि बेगूसराय की मिट्टी क्रांतिकारियों की मिट्टी है। इस मिट्टी पर जो तुम्हारी गिद्ध की नजर है, उस नजर को हम बराबर देख रहे हैं। और वक्त आया है, लोकतंत्र ने जो हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार के बदौलत, अपने मताधिकार के बदौलत, हम तुम्हारी हर साजिश को नाकाम करेंगे और एक बार फिर हिंदुस्तान के नक्शे में बेगूसराय जिले का नाम रोशन करेंगे। ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। आप ये मत समझिए कि आप सिर्फ मतदाता हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टीवी चैनल नहीं है, हमारे पास पत्रकार नहीं है, हमारे पास गुंडे नहीं है, हमारे पास आप आम बेगूसराय के जिले वासियों का आशीर्वाद है। और यह जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के आधार पर मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप सिर्फ वोटर नहीं हैं, आप उम्मीदवार हैं। और चौकीदारी के नाम पे हिंदुस्तान के आम आवाम की हक की जो लूट है, उन चोरों को आपको जवाब देना है। और उन चोरों को यदि आप जवाब देना चाहते हैं, सारे चोर इकट्ठा होकर के कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, तो आप कहिए कि मैं हूं बेगूसराय का उम्मीदवार और बेगूसराय का उम्मीदवार हारने नहीं देंगे। इस स्वाभिमान की लड़ाई में, इस हक और लूट की लड़ाई में, सच और झूठ की लड़ाई में हक और सच जीतेगा, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। और जो घर हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे देश के महान विभूतियों ने बना करके दिया है, उस घर को हम सुरक्षित रखेंगे। ये हमारा घर है, इसको हम ही साफ रखेंगे, इसको हम ही बचा करके रखेंगे। और एक बात हम आपको कह देते हैं, दिनकर ने एक बात कही है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। आज हिंदुस्तान के भीतर आमने सामने की लड़ाई छिड़ी है। कुछ लोग जो आकर के इस लड़ाई को गुमराह करना चाहते हैं, उनको बस हम एक बात कह देना चाहते हैं कि आपको अगर अपनी राजनीति में कैरियर बनाना है तो आप कैरियर बनाइए, लेकिन बेगूसराय के लोगों के साथ खड़ा होने का संकल्प हमने लिया है। और संकल्प जब हमने लिया है तो बेगूसराय जिले के भीतर ना कोई जातीय नरसंहार कर सकता है, ना कोई धार्मिक उन्माद फैला करके दंगा फैला सकता है, इस बात की गारंटी हम देते हैं। और बेगूसराय जिले का एक एक नौजवान अगर आज हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, नौजवानों के इस जोश से हम कट्टरवादी सोच को परास्त करेंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके अनुभव से, बुजुर्गों के अनुभव से और युवाओं के जोश से एक बेहतर बेगूसराय का निर्माण करेंगे। और जो हमारा मुद्दा है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान का मुद्दा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। और मुद्दा को भटकाने वाली जो प्रोपेगेंडा और झूठ की साजिश है, इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। और हमको पूरा भरोसा है
कि आपका साथ जिस तरीके से हमको मिला है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि उस साथ को हम मजबूत करें, उस हाथ को हम मजबूत करें, एक बेहतर बेगूसराय के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ कि तमाम गुमराह करने वाली ताकतों को इस बार हम परास्त करेंगे, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, और वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। और हमारे लिए सही यही है कि इस देश में जो संविधान को हराना चाहता है उसको हराएंगे, जो लोकतंत्र को हराना चाहता है उसको हराएंगे, लोकतंत्र को हरा करके लोकतंत्र को जिताएंगे। और एक बात इप्टा के लोग बार बार अपने गानों में कहते थे कि फिर आया वो वक्त पुराना, सबको सबक सिखाएंगे, हसुआ बाली पे बटन दिवाकर अपना वोट गिराएंगे। और जनता कल्याण इस बात की होगा, हमको पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में जीत जनता की होगी, और जनता के सवालों को छेड़ने वाले जो लोग हैं उनको परास्त किया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।